हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया SSC MTS Tier 2 के लिए लेटर राइटिंग कैसे करें। मैं जिस पैटर्न से लाया हूँ दोस्तों लेटर राइटिंग, अगर आप उसी पैटर्न से लिखेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग। तो आज जो मैं विषय लाया हूँ दोस्तों, वो है अपने पुत्र को नियमित जीवन के विषय में पत्र लिखिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, तो इसको स्टार्ट करते कैसे लिखना है। सबसे पहले पुत्र का नाम प्रिय निखिल चिरंजीव रहो, स्थान राइट साइड में लिख देंगे, और दिनांक कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल तुम्हारा पत्र मिला, सबसे पहले तो ये लिखना है दोस्तों, ठीक है। कल तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारे छात्रावास में विधिवत रहने की बात जानकर बहुत खुशी हुई। अब इस बात का संतोष है कि तुम शीघ्र ही उत्तम आचरण एवं कर्तव्य परायणता की अनेक अच्छी बातें सीख जाओगे। वत्स, विद्यार्थी जीवन ही भावी जीवन के निर्माण की सोपान है। जो इस सोपान पर चढ़ना सीख जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। यदि तुम अभी से नियमितता का आचरण करने लगोगे, तो भविष्य सुखमय होगा। वास्तव में नियमितता मानव का एक बहुत बड़ा गुण है। जिनमें यह गुण पाया जाता है, वे सभ्यता एवं संस्कृति की दौड़ में सबसे आगे रहते हैं। इसी से उनके आचरण ऊंचे उठते हैं और समाज में विशेष सम्मान मिलता है। अनियमितता मानव को पंगु बना देती है। नियमितता के द्वारा प्रत्येक मानव शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। तुम्हें भी सफलता के इस मूल मंत्र को अंगीकार कर लेना चाहिए। शेष सब कुशल है, तुम्हारी माताजी तुम्हें आशीर्वाद देती है और पुलकित नमस्ते करता है। अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखना, किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो लिखना। तुम्हारा स्नेही पिता अखिलेश। तो दोस्तों, ठीक ऐसे पैटर्न में अगर आप लिखोगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये लेटर राइटिंग कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अगला लेटर आपके लिए लेकर आऊँ। और दोस्तों, साथ ही मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। तो उसमें आप डेली फ्री में क्विजेस दे सकते हैं दोस्तों, डेली क्विज लेता हूँ और आपके नंबर मार्क्स कितने आ रहे हैं उसमें बता दिया जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए दोस्तों, स्टैटिक GK बालाघाट के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं जानकारी दे दूंगा। तो ओके दोस्तों, आज का निबंध इतना ही, नेक्स्ट लेटर में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों।